सब्सक्राइब कीजिए हमारी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे शुक्र ग्रह के राशि परिवर्तन के बारे में, क्योंकि शुक्र ग्रह जो है राशि बदलने जा रहे हैं। 29 नवंबर को ये राशि बदल लेंगे, क्योंकि इससे पहले शुक्र कन्या राशि में गोचर कर रहा है पिछले एक माह से, जो कि नीच की राशि इनकी, मगर अब अपनी तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं जो कि इनकी अपनी ही राशि है। 29 नवंबर को जब ये तुला राशि में प्रवेश करेंगे तो उसके बाद 25 दिसंबर तक यानी कि लगभग 26-27 दिन इसी राशि में ही गोचर करेंगे। तो शुक्र का तुला राशि में जो है 29 नवंबर को सुबह 1:05 पर प्रवेश होने जा रहा है। वृषभ और तुला राशि के स्वामी हैं शुक्र ग्रह, कन्या राशि में नीच के और मीन में उच्च के होते हैं। शुक्र ग्रह को जो है चमक धमक का कारक भी कहा गया है, क्योंकि ये ग्रह जो है यदि बहुत अच्छा है, मजबूत है किसी भी व्यक्ति की कुंडली में, तो सभी प्रकार के सुखों को दे सकता है, और यदि कमज़ोर है, नीच का है, शत्रु ग्रह के साथ है, तो उसके सभी सुख छीन लेता है। व्यक्ति का जीवन जो है नीरस हो जाता है, यानी कि कई बार जिन लड़कों की शादी नहीं होती तो उसमें जो शुक्र की बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि शुक्र ग्रह को स्त्री सुख से भी जाना जाता है। तो धन, वैभव, ऐश्वर्य, भोग विलास, भौतिक सुख मिलने वाले जीवन के, और शादी के बाद अपनी पत्नी से मिलने वाला सुख, तो ये सब शुक्र के ही देन है, क्योंकि इससे भौतिक सुख, स्त्री सुख, चमक धमक, ऐश्वर्य, भोग विलास, विलासितापूर्ण जीवन, जो इसी के ही कारक ग्रह हैं। तो यदि ये आपकी कुंडली में अच्छा है, मजबूत है, तो धन संबंधी परेशानी आपकी दूर हो जाती है। कोई भी जो जीवन में दिक्कत आती है धन संबंधी, उसी कारण से यदि ये मजबूत हैं तो आपके जीवन में हमेशा अच्छा रहेगा, आपको धन आपके पास प्रचुर मात्रा में रहेगा, सुख आपके पास रहेगा, गाड़ी रहेगी, अच्छा मकान होगा। मगर अगर ये कमज़ोर है, अस्त है, किसी शत्रु ग्रह की दृष्टि है, पीड़ित है, तो आपको इन सभी चीज़ों से वंचित होना पड़ सकता है। तो हम बात कर रहे हैं तुला राशि और तुला लग्न को शुक्र ग्रह क्या परिणाम देंगे जब तुला राशि यानी कि जो उसकी अपनी ही राशि है तो जब आएंगे, क्योंकि शुक्र अपनी तुला राशि में जा रहा है तो तुला राशि वालों के लिए ये समय अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय शुक्र जो है पंच महापुरुष योग बनाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा योग है। शुक्र का अपनी राशि केंद्र में होकर बैठना आपके लिए, जो तुला राशि वाले, तुला लग्न वाले लोग हैं, इनके लिए पंच महापुरुष योग का निर्माण होगा। इसके द्वारा जो है एक तो इस समय आपके जो रुके हुए काम काज हैं वे सभी कार्य पूरे हो गए, आपके जीवन में आने वाली सभी प्रकार की बाधाएं दूर होगी, और कोई काम जो अटका हुआ था, रुका हुआ था आपके जीवन का, वो भी कार्य अब पूरा होगा। और आप कोई नया व्यापार या बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो उसमें भी जो है आपकी सारी प्रॉब्लम दूर होगी, जो समस्याएं अभी तक आप लोगों को आ रही थी तुला राशि वालों को, वो समस्याएं आपकी धीरे धीरे दूर होगी, और काम काज के क्षेत्र में आपका दायित्व बढ़ेगा, कोई नया जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। शुक्र आपकी कुंडली में जो है पहले और आठवें घर के स्वामी होकर अपने घर में रहेगा पहले, तो पंच महापुरुष योग बनेगा, ये एक बहुत अच्छा योग है पंच महापुरुष योग। तो इस समय जो है शुक्र अपनी राशि में रहेगा तो शादी ब्याह का ऑफर आपको आ सकता है, कहीं से रिश्ते की बात चल सकती है, हो सकता है इस समय यदि कहीं रिश्ता पक्का हो जाए तो इस एक माह के अंदर आपकी शादी भी हो जाए, क्योंकि शुक्र आपके शादी वाले भाव को भी देख रहा है। बृहस्पति वहाँ पहले से ही मेष राशि में गोचर कर रहा है, शुक्र की दृष्टि बृहस्पति पे है, और बृहस्पति की शुक्र की दृष्टि होना, एक दूसरे को देखना आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो इस समय शादी ब्याह जैसे मांगलिक कार्यक्रम आपके घर में हो सकते हैं। वृश्चिक राशि में सूर्य मंगल एक साथ हैं जो कि आपके परिवार स्थान में है, तो धन आपके पास अधिक मात्रा में रहेगा, धन संबंधी जो समस्या आपको अभी तक आ रही थी वो सभी प्रकार की समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएगी। सूर्य आपकी कुंडली में लाभ स्थान का स्वामी है, और लाभ का स्वामी सूर्य जो है आपको धन लाभ कराएगा, कहीं से आपकी इनकम बढ़ाएगा, कोई नया कार्य आप शुरू कर सकते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, तो उसमें आपको लाभ होगा और आपके काम काज बढ़ेंगे।
और इसके बाद बात करें आपकी जो है शनि आपकी कुंडली के पंचम स्थान में अपनी कुंभ राशि में गोचर कर रहा है। कुंभ राशि में आपके तुला राशि वालों के लिए शनि का होना अच्छा है, क्योंकि शुक्र शनि वैसे भी मित्र हैं, तो शनि का यहाँ पर होना आपकी पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो समस्याएँ बाधाएँ आपकी कुंडली में हैं वो सभी प्रकार की बाधाएँ दूर होगी। और कहीं रिजल्ट आपका आने वाला है, जैसे कोई सरकारी नौकरी वाले स्टूडेंट हैं, कोई तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी के छात्र छात्राएँ, तो सरकारी नौकरी के लिए भी ये समय उत्तम है। इस समय शनि और बृहस्पति आपकी कहीं जॉब पक्का करवा सकते हैं, या कोई सरकारी नौकरी का रिजल्ट आपका आने वाला है तो उसमें जो है आपको 100% चांस है सफल होने के, कहीं सरकारी नौकरी आपकी लग सकती है जो तुला राशि वाले हैं। तो इस समय आपका काम काज बढ़ेगा, आपका क्षेत्र बढ़ेगा, कोई आपकी जिम्मेदारी दी जा सकती है, उसमें आप 100% सफल हो गए, क्योंकि शनि का यहाँ पर होना, एक तो आपको घर में कोई संतान का जन्म हो सकता है, संतान से संबंधित सुख प्राप्त होंगे, पढ़ाई लिखाई की शिक्षा क्षेत्र के लिए समय अच्छा है, या जिन लोगों ने जिस क्षेत्र में पढ़ाई की उनकी नौकरी लगने का भी समय आ गया है, इस समय आप नौकरी बदल सकते हैं, तो नौकरी के लिए ये समय बड़ा उत्तम है। गुरु बृहस्पति का मेष राशि में होना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय जो है एक तो आपके जो जीवन साथी है उससे पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा, पूर्ण रूप से सपोर्ट वो आपको करेगा जो आपका जीवन साथी है, चाहे वो पत्नी हो चाहे पति, एक दूसरे के बीच में जो प्रेम बना रहेगा, एक दूसरे के भावना को समझा जाएगा और दोनों एक दूसरे को प्रेम करेंगे, साथ ही एक दूसरे को पूर्ण रूप से सपोर्ट भी करेंगे, चाहे वो धन मामले में हो चाहे वो परिवार के मामले में कैसे भी हो। इस समय पार्टनरशिप में आपको नुकसान नहीं होगा, पार्टनर आपके अच्छे रहेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे और आपका पूर्ण रूप से साथ देंगे, तो पार्टनर से भी जो है आपको सपोर्ट प्राप्त होगा जो तुला राशि वाले हैं इन लोगों को, तो पार्टनरों के साथ कोई नया बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, ये समय उत्तम है तुला राशि वालों का। इसके बाद हम बात करेंगे आपकी भाग्य स्थान की, तो भाग्य स्थान आपका ठीक है, भाग्य और स्वामी जो है बुध भाग्य स्थान देख रहा है, चंद्रमा वहाँ पहले से ही है, तो ये समय भी उत्तम है, भाग्य में फेरबदल हो सकता है, धर्म से जुड़े हुए कार्य आप करते रहेंगे, मन आपका शीतल रहेगा, काम काज से जुड़े रहोगे। और केतु इस समय आपका जो है कन्या राशि में है, केतु अपनी मित्र की राशि होने से कहीं बाहर दूर देश की यात्रा आपको करनी पड़ सकती है, कहीं विदेश की यात्रा भी हो सकती है, या कोई दूसरे शहर की भी यात्रा हो सकती है, हो सकता है अपने देश में ही रहे लेकिन दूसरे राज्य में आपको आना जाना लगा रह सकता है। केतु का यहाँ पर होना आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको यात्राओं का अवसर प्राप्त होगा, चाहे बड़ी यात्रा हो छोटी मोटी यात्रा, इस समय आप यात्रा करते रहेंगे। तो ये था शुक्र का राशिफल तुला राशि में जाने के बाद जो आज आप लोगों ने जाना, हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी आती रहेगी, आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी कर दें ताकि वो लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, सभी जानकारी आपको विस्तार से दी जाएगी। धन्यवाद।